नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज धीमान राजेश धीमान में। तो आज हम इंटीग्रेशन करना सीखेंगे इस फंक्शन की, लोग ऑफ 1 प्लस x के। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं ये एक फंक्शन है, लेकिन इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है। इसको हम बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसके दो फंक्शन बनाने पड़ेंगे, हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूं, लॉग 1 प्लस x² इंटू 1। अब इसको हम फर्स्ट फंक्शन ट्रीट कर लेंगे और इसको 1 को सेकंड फंक्शन ट्रीट कर लेंगे। उसके बाद बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला जो है f(x) g(x) इंटीग्रेशन, ये होता है f(x) g(x) की इंटीग्रेशन साथ में माइनस f(x) मतलब f(x) की डिफरेंशिएशन और साथ में मल्टीप्लाई होगा जी एक्स का इंटीग्रेशन। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसका फिर से हम इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो ये बनेगा हमारे पास i = log ऑफ 1 प्लस x² इंटू 1 dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन log ऑफ 1 प्लस x² और इंटीग्रल ऑफ 1। तो ये आ जाएगा फिर लॉग ऑफ 1 प्लस x² इंटू 1 की इंटीग्रेशन होगी x माइनस डेरिवेटिव आएगी लॉग ऑफ 1 प्लस x² की। तो लॉग के आगे जो भी फंक्शन होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, इसकी डेरिवेटिव आएगी 1 ओवर 1 प्लस x² इंटू, फिर 1 प्लस x² की डिफरेंशिएशन ये होगी 2x और साथ में इसकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन 1 की आएगी x और ये dx। अब यहां से 2 को बाहर ले लेंगे और x इंटू x को x² करके लिख देते हैं। ये हमने इस x को पहले लिख दिया है और 2 बाहर आ गया, अब x इंटू x x² बना। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, 1 प्लस x² और x² में रिजेम्बलेंस करेंगे एक जैसा। हम क्या करेंगे, न्यूमिरेटर में 1 ऐड कर लेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब 1 एड और 1 माइनस। उसके बाद इस 1 को इसके साथ अटैच कर देंगे और इस 1 को अलग से कर देंगे। उसके बाद 1 प्लस x² के साथ इसको डिवाइड कर देंगे और इसको भी डिवाइड कर देंगे, तो हमारे ये दो फैक्टर बन जाएंगे। हमने इस तरह से अलग से डिवाइड कर दिया। अब हम इसका अलग से इंटीग्रेशन भी लिखेंगे। इसके बाद हमने इसकी अलग से इंटीग्रेशन करके लिखी, तो ये 1 प्लस x² x² + 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा और यहां से -2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 बना और फिर dx/1 + x². अब इसकी इंटीग्रेशन आएगी हमारे पास x और ये है 1 को लिख सकते हैं हम 1 स्क्वायर प्लस x² जो होता है tan इनवर्स x। अब आएगा हमारे पास x log ऑफ 1 प्लस x² माइनस 2 इंटू इसकी x + 2 और यहां से मिलेगा हमें tan इनवर्स x प्लस c, वेयर c इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें इसी तरह की मैथमेटिक्स के ऊपर वीडियो देखने के लिए। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। आप हमारी मैथमेटिक्स की वेबसाइट www.धीमान राजेश धीमान.com भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।